हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिफालीज किचन। शिफालीज किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बिस्किट की रेसिपी की वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। पहले भी मैंने आपके साथ दो तीन वीडियोस ऐसी बिस्किट बनाने की शेयर की हैं, पर आज की हमारी जो ये वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाली है और कुछ अलग तरह की है, क्योंकि इसमें मैं बिना मोल्ड्स के आपको अलग अलग तरह की शेप्स बनानी सिखाने जा रही हूँ अपनी इस वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बिस्किट का डो तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर बड़ी कटोरी का यूज़ किया है, जो मैंने हाफ कटोरी के करीब मैंने यहाँ पर घी लिया है। घी आप देसी भी ले सकते हो, डालडा भी ले सकते हो। तो हाफ कटोरी मैंने यहाँ पर घी का यूज़ किया है। घी हमने ज़्यादा मेल्ट नहीं लेना, थोड़ा हार्ड ही लेना है। अब इसके साथ ही हम क्या करेंगे, मैंने हाफ कटोरी ही पिसी हुई चीनी यूज़ की है। दोस्तों, जितना हमने घी लिया है उतना ही हमें चीनी का यूज़ करना है, और दोनों को अच्छी तरह से हाथों की सहायता से इनको सॉफ्ट कर लेना है। दोस्तों, आज हम बिना मोल्ड के आपको अलग अलग तरह की शेप्स बनाना सिखाएंगे कि कैसे हम घर में ये जो चीज़ें होती हैं, घर में जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं अपने किचन के अंदर, उनकी सहायता से कैसे हम बिस्किट तैयार कर सकते हैं, उनकी शेप्स तैयार कर सकते हैं, वो आज मैं आपको सिखाऊंगी इस वीडियो में। तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और दोस्तों इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें मेरे चैनल को। इसे हमें अच्छी तरह से हाथों की सहायता से एकदम से सॉफ्ट कर लेना है। जितना हम हाथों की सहायता से इसे जितना हम चिकना बनाएंगे, जितना सॉफ्ट करेंगे, उतने ही हमारे बिस्किट बहुत ही अच्छे बनते हैं, फ्लफी बनते हैं। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून के करीब मीठा सोडा यूज़ कर रही हूँ, बेकिंग सोडा होता है जो, और मैंने यहाँ पर वन कटोरी जो फुल होती है वो मैंने यहाँ पर आटे की ली है। मैं ये बिस्किट आटे से तैयार कर रही हूँ, तो आटा इसमें डाला है। अब दोस्तों, हमने जितना हमने घी डाला था और चीनी डाली थी, और उतना ही हमने दूध इसमें ऐड करना है। दूध की सहायता से हम इसे धीरे धीरे आटे को हम लगाते जाएंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एकदम से इकट्ठा दूध नहीं डालना है, जिससे कि जो हमारा डो होता है बिस्किट का वो एकदम से पतला हो जाता है। तो हमें थोड़ा सख्त डो ही तैयार करना है, और बिल्कुल सॉफ्ट डो हमने यहाँ पे तैयार कर लिया। देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा मैंने यहाँ पर डो का लिया, उसे हथेली में रखते हुए हमने इसे राउंड कर लिया। मैंने यहाँ पर किचन की स्लैब के ऊपर हमने एक प्लास्टिक की शीट बिछा लिया, और उसके ऊपर हमने डो रखा, और मैंने ये एक प्लास्टिक का ही डिब्बी का ढक्कन लिया है जिसके ऊपर हमारा ये डिज़ाइन था, और हमने इसके ऊपर इसको रख के एकदम से प्रेस कर दिया, तो वो डिज़ाइन हमारा बिस्किट के ऊपर तैयार हो गया है। दोस्तों, आप घर में किसी भी तरह के आपके पास जो डिब्बी होती हैं, कोई डिज़ाइन वाले ढक्कन होते हैं, कुछ भी होता है आपके पास, तो आप उसकी सहायता से ये डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है, दोस्तों मेरे पास, मैं यहाँ पर एक कांच का गिलास ले रही हूँ और उसके नीचे भी डिज़ाइन बना हुआ है, तो मैंने उसके ऊपर भी ये ऐसे ही डो रखा और उसको हल्का सा प्रेस कर दिया, तो ये हमारे, देखिए कितना अच्छा ये डिज़ाइन हमारा तैयार हो चुका है। तो आप कोई भी, मतलब घर पे जो भी आपके पास सामान होता है, आप उससे ये डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। तीसरा, हमने यहाँ पर मैंने एप्पल कटर लिया है, उसकी सहायता से मैंने यहाँ सनफ्लावर का मैं यहाँ पर जो डिज़ाइन तैयार कर रही हूँ, ये देखिए हम पंखुड़ियाँ जो हैं वो तैयार कर रहे हैं। हाथों की सहायता से हमने इसे हल्का हल्का प्रेस करते जाना है, दोनों सिरों को पकड़ते हुए, तो हमारा ये फ्लावर बहुत ही अच्छा तैयार हो जाता है, और इसके बिस्किट भी बहुत ही अच्छे लगते हैं, बने हुए शेप बहुत ही अच्छी तैयार होती है। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा बस ध्यान रखना है, क्योंकि अब थोड़ा वेदर में चेंज हो गया है और थोड़ा गर्मी है, गर्मी के सीजन में थोड़ा ये घी छोड़ जाता है जो, क्योंकि हम बिस्किट के डो में काफ़ी ज़्यादा घी डालते हैं, तो उस वजह से थोड़ा चिकना हो जाता है। अब दोस्तों, हमने ये पूड़ी तलने वाली जो छलनी होती है उसका हम डिज़ाइन ये डाल रहे हैं, इसको हल्का सा हमने प्रेस किया है। इसके अलावा मैं इसके ऊपर ये जैम लगा रही हूँ, जैम मैंने मिक्स फ्रूट जैम लिया, आप कोई भी ले सकते हैं। इस तरह से हमारे ये जैम वाले बिस्किट तैयार हो जाते हैं, जो मार्केट में आपने देखा होगा आसानी से मिलते हैं। दोस्तों, हमारे ये चार तरह के बिस्किट यहाँ पर तैयार हो गए हैं। मैंने यहाँ पर जो हमने ग्लास में लगाए थे वो उसके अंदर भी हमने जैम लगा दिया।
अब मैं एक फोक की सहायता से मैंने कोको पाउडर लिया थोड़ा सा, उसको फोक पे हम अच्छी तरह से लगा देंगे, और जो हमने डो हमने लिया था थोड़ा सा उसको प्रेस करके उसके ऊपर हमने चारों तरफ से हमने फोक की सहायता से कोको पाउडर यहाँ पे लगाते जाएंगे और उसका डिज़ाइन हमारा बनता जाएगा। इस तरह के भी बिस्किट मार्केट में अवेलेबल होते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में तो टेस्टी होते ही हैं। तो सही, इस तरह से आप क्या अलग अलग तरह से थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है हमें, अलग अलग चीज़ों से हम घर पे ही अच्छी तरह से बिस्किट तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने एक और डो लिया और थोड़ा सा छोटा सा और उसको प्रेस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ तेल की जो कीप होती है वो लिया और इसको हमने कोको पाउडर में डिप कर लिया, और इसकी सहायता से हम इसके ऊपर राउंड से बनाते जाएंगे, और हल्का सा हमने इसको प्रेस करना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना। एक राउंड के ऊपर हम दूसरा राउंड तैयार करते जाएंगे। ये बिस्कुट भी देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन इसका तैयार हुआ है, देखने में ही बहुत अच्छे लगते हैं बिस्किट ये। इस तरह से हम बहुत सारे बिस्किट घर पर तैयार कर सकते हैं बिना मोल्ड से। आप देखिए मैंने यहाँ पर जो पोटैटो मैशर होता है वो लिया है, उसकी सहायता से हम ये डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमने ये डिज़ाइन तैयार किया है। हमने क्या करना है, एक जो बीज बड़े वाला जो है और दो छोटे वाले लेने, और सेंटर में बड़े वाला रखना और हल्का सा पुश करना है, और देखिए कैसे कितना अच्छा डिज़ाइन इसका बन गया है। अब मैंने एक ये कटोरी ली है, कटोरी का डिज़ाइन भी हम इसमें डाल देते हैं। दोस्तों अब मैं यहाँ पर रोज़ का फ्लावर बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने चार ये छोटे छोटे डो लिए हैं और इनको हल्का हल्का प्रेस किया, और एक चाकू की सहायता से हम इसको बीज में से प्रेस कर देंगे और ऐसे राउंड राउंड घुमाते जाएंगे जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, और बीज में से हम इसको कट कर देंगे, और इस तरह से हमारे रोज़ के डिज़ाइन तैयार हो जाता है। दो रोज़ हमारे ये तैयार हो चुके हैं। तो इसे घर में बनाने बहुत ही ईजी होते हैं, आप एक बार जरूर बना के देखें घर पे। एक्चुअली मैं आपको ये थोड़ा फास्ट में दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो में इतना टाइम नहीं है, कि मेरी वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो रही है, तो थोड़ा आपको फास्ट में दिखा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके दिखा रही हूँ। दोस्तों हमारे ये बिस्किट बेक हो चुके हैं। मैंने बेकिंग के लिए 180 डिग्री का जो ओवन हमारा प्री हीट किया था उसके बाद 10 मिनट लगाए हैं, तो हमारा ये बिस्किट तैयार हो चुके हैं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं घर पर और अलग अलग चीज़ों से आप कैसे इतने अच्छे बिस्किट तैयार कर सकते हैं। आप देखिए ये हमारे रोज़ वाले हैं, और इस तरह से मैंने 8 से 10 डिज़ाइन के बिस्किट घर पर तैयार किए हैं। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो। दोस्तों अब मैंने एक और बिस्किट बनाने जा रही हूँ, एक और तरह के, जिसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा डो का लिया है हमने भाग, और मैं इसको हाथों की सहायता से प्रेस कर रही हूँ। आप चाहें तो बेलन का यूज़ भी कर सकते हैं। मैंने शीट के ऊपर ही डो रखा था और उसके ऊपर फिर दोबारा शीट रखी और हाथों से प्रेस कर रही हूँ। इस तरह से काम करना हमारे लिए इजी हो जाता है, नहीं तो डो ऐसा होता है कि हाथों में चिपक जाता है। मैंने यहाँ पर एक डिब्बी का ढक्कन लिया है, उससे हमने दो राउंड ये बना लिए हैं, और फालतू का जो आटा है हम उठा देंगे इसको। दोस्तों मैंने चाकू की सहायता से ऊपर से इसको हल्का सा इसका सिरा हमने कट कर देना है, और इसके अलावा हम थोड़ा सा नीचे उसके एक कट मारेंगे और वो हाफ से ज़्यादा होगा, और साइड्स पे हमने उसके नीचे नीचे दो कट और लगाने हैं, वो बिल्कुल छोटे छोटे लगाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा डक का डिज़ाइन तैयार होगा। ये देखिए दोस्तों हमें कैसे उसे राउंड घुमाते हुए ऊपर वाले को ऐसे ऊपर लेके जाना है जिससे हमारा डक का डिज़ाइन तैयार हो गया है। ऐसे मैं आपको एक बार और दिखा रही हूँ। दोस्तों ये बिस्किट घर पर बहुत अच्छे तैयार होते हैं, आप घर पे जरूर ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलें कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ होता है तो आप मेरे साथ मतलब शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में दीजिए, और मुझसे कुछ भी आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। दोस्तों इस तरह से हमारे ये डक का डिज़ाइन तैयार हो चुका है, और हमारे ये बिस्किट बन के कितने अच्छे तैयार हुए हैं आप देख सकते हैं।
मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।